स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 7.7.2 कोरोशन प्रिवेंशन। हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कोरोशन क्या चीज़ होती है, कोरोशन की कंडीशंस क्या होते हैं। हमने रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी कोरोशन की, उसमें हमने कंडीशंस भी डिस्कस किए थे, प्रोसेस भी पूरा डिस्कस किया हुआ था। सो कोरोशन जो हमारे पास है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, इसके हमारे पास बहुत नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक ख़तरनाक नुकसानदेह किस्म का प्रोसेस है। सो इसको प्रिवेंट करना चाहिए, इस कोरोशन को, रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारे पास 3-4 तरीके हैं। पहला जो हमारे पास है, रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डेंट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशंस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की बात जब की थी, उसमें जो हमने पहली कंडीशन डिस्कस थी की थी वो हमारे पास ये था कि डेंट्स या फिर स्टेन्स। हमारे पास सपोज एक आपके पास आयरन की शीट है, कोई भी आपके पास वहाँ पे डेंट पड़ गया, कोई भी वहाँ पे चोट लग गई आयरन शीट को, जहाँ पे चोट लग जाती है वो हमारे पास रीजन बन जाता है एनोड। और एनोड इस रीजन के ऊपर जो हमारे पास आयरन के एटम्स होते थे वो ऑक्सीडाइज हो जाते थे, क्योंकि एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। तो हमारे पास आयरन के एटम्स ऑक्सीडाइज कैसे होते थे, देखें ज़रा, आपके पास आयरन के एटम्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मींस के आयरन के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, इस आयरन शीट में से मूवमेंट करते होते थे, जहाँ पे इसको ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल जाती थी वो हमारा कैथोड रीजन बन जाता था, वहाँ पे हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होता था। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते होते थे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। तो बेसिकली मकसद ये है कि शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हमारी होती है कहाँ से, स्टेन से या फिर डेंट से। तो अगर हम इस स्टेन को या फिर इस डेंट को अगर हम रिमूव कर देते हैं, अगर हमारे पास एनोड रीजन बने ही ना, और हमारे पास जब एनोड रीजन नहीं बनेगा तो क्या होगा कि आयरन के जो एटम्स हैं एनोड के ऊपर, वहाँ पे आयरन एटम्स की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, आयरन के एटम्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। जब ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, हमारे पास कैथोड रीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी रिड्यूस नहीं होगा, मीन्स कि हमारे पास सारा जो कोरोशन और रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस है वो हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो अगर हम डेंट को या फिर स्टेन्स को क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, आयरन शीट के ऊपर डेंट आपके पास कोई भी पड़ जाए या फिर आपके पास स्टेन पड़ जाए, उसको आप ख़त्म कर दें। और ख़त्म आपने किस तरीके से करना है, उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप ग्रीसिंग वगैरह कुछ भी आप कर लें, लेकिन आपने इस डेंट को बनने नहीं देना, ये डेंट आपने ख़त्म करना है। ठीक है, ये हमारा है पहला प्रोसेस, रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डेंट्स। ये चीज़ आपने ख़त्म करनी है, तब आपका कोरोशन का प्रोसेस प्रिवेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेकंड जो हमारे पास है, पेंट्स एंड ग्रीसिंग। ये पेंट्स और ग्रीसिंग का जो हमारा काम होता है, जैसे हमने इसी में बात की है, ये पेंट्स और ग्रीसिंग हम क्यों करते होते हैं, पेंट्स हम इसलिए करते होते हैं ताकि हमारे पास ये जो डेंट पड़े हुए हैं ये डेंट ख़त्म हो जाएं। जब डेंट ख़त्म हो जाएंगे, ये हमने ऑलरेडी सारी बात की है, तो हमारे पास एनोड रीजन नहीं बनेगा, आयरन एटम्स की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब नहीं होंगे तो हमारे पास कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा, मीन्स कि हमारे पास सारा जो प्रोसेस है कोरोशन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पेंट्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे पास एनोड रीजन, मीन्स के डेंट्स या स्टेन क्या हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद हमारे पास ग्रीसिंग जो है ना, ग्रीसिंग का भी यही मकसद होता है, आप इसके ऊपर ग्रीसिंग ग्रीस लगा दें, मीन्स कि आप चिकनाई वगैरह कोई भी चीज़ लगा दें, तब भी हमारे पास ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस प्रिवेंट हो जाएगा, आयरन एटम्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे एनोड के ऊपर, एनोड बने गए नहीं। बात क्लियर हो गई। मॉडर्न हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं, आजकल के जो पेंट्स बन रहे हैं, आजकल के पेंट्स में होते क्या हैं कि कम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स उन्होंने बनाया होता है, और उन कम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स को, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर्स कहते हैं। वो स्टेबलाइजर्स क्या काम करते होते हैं, वो स्टेबलाइजर्स यही काम करते हैं कि वो डेंट्स और स्टेन्स को प्रिवेंट करते होते हैं, एनोड रीजन बनने नहीं देते, एनोड नहीं बनेगा, आयरन एटम्स की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, हमारे पास कैथोड रीजन, ये सारा प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा पेंट्स और ग्रीसिंग वगैरह जो हैं, ये बाकी वेदरिंग हमारे पास बाकी जितने भी मौसमी असरात हैं और एटमॉस्फेयर के बाकी जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं उसके खिलाफ भी हमारे पास प्रिवेंट करता होता है। थर्ड जो हमारा प्रोसेस है, अलॉइंग।
बेसिकली हमारे पास पहले हमने अलॉय को स्टडी करना है कि अलॉय क्या चीज़ है। इस टॉपिक को हम चैप्टर नंबर 5 में भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अलॉय होता क्या है। ठीक है, देखें हमारे पास इंडस्ट्री में जो प्योर मेटल्स होते हैं, हम इंडस्ट्री में प्योर मेटल्स को यूज़ नहीं करते होते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्योर मेटल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हमारे पास वो इंडस्ट्री में काम नहीं करते होते। सो हम क्या करते हैं कि हम कोई सी भी मेटल्स, दो या तीन या जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं, हम उनको कंबाइन कर लेते हैं। कंबिनेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। बात क्लियर होगी। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं अलॉय की, ब्रास भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास बुक में भी लिखा हुआ है कि चूंकि हमारे पास ये बहुत सक्सेसफुल मेथड है, अलॉय जो हमारे पास है, अलॉयिंग जो हमारे पास है, ये कोरोशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सक्सेसफुल मेथड है। इस मेथड में किया जाता है कि हमारे पास कोई भी मेटल है, आपके पास सपोज करें आपके पास आयरन मेटल है। अब आयरन की रस्टिंग होती है, अब आपने आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करें? आप उसको अलॉय कर दें, मींस कि आप आयरन के मेटल को बाकी एटम मेटल्स के साथ, सॉरी एटम नहीं, मेटल्स के साथ कंबाइन कर दें, आपके पास अलॉय बन जाएगा। और अलॉय जो हमारे पास होता है ये कोरोशन रेजिस्टेंट होता है हमारे पास। तो हमारे पास आयरन जो है इसको क्रोमियम और ज़्यादातर निकल के साथ मिलाया जाता है, मीन्स कि हमारे पास आयरन, साथ हमारे पास क्रोमियम और हमारे पास निकल, इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारे पास एक अलॉय बनाते हैं। उस अलॉय का नाम क्या है हमारे पास? उस अलॉय का नाम है स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील जो हमारे पास है ये कोरोशन रेजिस्टेंट होता है। कोरोशन का और रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास स्टेनलेस स्टील में बहुत जल्दी नहीं होती, बल्कि तकरीबन होती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कोरोशन के और रस्टिंग ऑफ आयरन के। लास्ट वाला जो हमारे पास है मेटैलिक कोटिंग, ये जो मेटैलिक कोटिंग है ये सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास मेटैलिक कोटिंग है। जैसे कि हमारे पास नाम से भी इंडिकेट करता है मेटैलिक कोटिंग, मीन्स कि हमने मेटल्स की कोटिंग करनी है। इस प्रोसीजर में होता क्या है कि हमारे पास कोई भी मेटल है, जब वो हमारे पास एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, मींस कि एसिडिक कंडीशंस में, जब हमारे पास एसिडिक कंडीशंस होते हैं, जब किसी भी मेटल को आप एटमॉस्फेयर में करते हैं या फिर आप वैसी फूड इंडस्ट्री में जो हमारे पास केन्स वगैरह होते हैं, जब आप उसको एसिडिक कंडीशंस को एक्सपोज करते होते हैं, तब हमारे पास वहाँ पर कोरोशन या फिर रस्टिंग का प्रोसेस हो सकता है। उसमें हम करते क्या है कि हमारे पास जो मेटल है उस मेटल के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, बाकी मेटल्स कोई भी मेटल है उसको हम कोटिंग कर लेते हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि कोरोशन रेजिस्टेंट मेटल्स जो होते हैं उसकी हमने कोटिंग करनी होती है उसके ऊपर। जैसे हमारे पास देखें, सपोज आपके पास आयरन है, आपके पास आयरन है और ये हमारे पास आयरन जो है इसकी रस्टिंग होती है। जब हमारे पास इसकी रस्टिंग होती है, आयरन भी हमारे पास एक मेटल है, अब हम इसकी रस्टिंग को, इसकी कोरोशन को हमने प्रिवेंट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम इसके ऊपर बाकी मेटल्स की कोटिंग कर लेते हैं। लेकिन जिस मेटल की हम कोटिंग करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेटल कोरोशन रेजिस्टेंट हो, वो मेटल रस्टिंग रेजिस्टेंट हो। हमारे पास किताब में लिखा हुआ है कि जिंक है, टिन है और क्रोमियम। जिंक हमारे पास टिन है और साथ हमारे पास क्रोमियम। ये जो हमारे पास तीन मेटल्स हैं ये कोरोशन रेजिस्टेंट हैं, ये रस्टिंग रेजिस्टेंट मेटल हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, इस मेटल के ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। जब हमारे पास ये कोटिंग हो जाती है, हमारे पास रस्टिंग और कोरोशन का प्रोसेस नहीं होता। ये जो हमारे पास मेटालिक कोटिंग है ये प्रोसेस ज़्यादातर यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमारे पास फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा हद तक हम जो फूड वगैरह पैक करते होते हैं वो हमारे पास टिन वगैरह में पैक होते हैं, और टिन वगैरह में जब पैक होते हैं उसका हमारे पास जो मेटल्स की कोरोशन और रस्टिंग का ख़तरा होता है, वहाँ पे हमने जिंक, टिन या फिर क्रोमियम की वहाँ पे कोटिंग करनी होती है, ताकि हमारे पास इसकी कोरोशन या रस्टिंग हो के वो फूड के अंदर मिक्स ना हो जाए। इसलिए हम ज़्यादातर मेटालिक कोटिंग का जो प्रोसेस है उसको हम ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते होते हैं। ये जो मेटालिक कोटिंग का प्रोसेस है ये दो तरीकों से हो सकता है, एक हमारे पास फिजिकल मेथड से होता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होता है। ये दोनों मेथड्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये कोरोशन का प्रिवेंशन का जो टॉपिक है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है।